रे पैटर्न देख यार भाई, थोड़ा इधर उधर मतलब एक कर तो। हाँ हाँ इधर से दिखा। आ क्या क्या देख रहा, कूद ना जाए। तुमको तो पता है कि ये एरोनॉट जंप कर दिया था और कूद गया था। मेरे पास कुछ बढ़िया एक्वाटिक प्लांट्स है और इसका वीडियो भी आ जाएगा। तो दोस्तों अब हो चुका है एक्लिमेट और इन छहों को हम डालने वाले हैं हमारे इस प्लांटेड टैंक सेटअप में। ये पानी पूरा साफ है। ओ फिश घूम रहा है, फिश घूम रहा है। ये कौन से फिश है यार, ये देखो ये देखो। इस नेट से पकड़ पाएंगे क्या हम लोग? बड़े बड़े फिश तो घूम। ओ दीदी अभी बहुत बड़ा फिश गया है, बहुत बड़ा फिश गया है। मैं वीडियो कर रहा हूँ धीरे से, यहाँ पे एकदम से छुपा। हाँ अभी क्या फिश है? वो अंदर ही हो, अंदर ही है शायद। हाँ उधर ही है, काफ़ी बड़ा है, पत्थर के अंदर ही है। देख देख ट्राई कर। हाँ इधर से दिखा। ये कौन सा हो सकता है? अरे मेरे को सर्च करना पड़ेगा नेट पे, इसका नाम क्या हो सकता है। बाप रे पैटर्न देख भाई। और इस साइड कर तो थोड़ा नाइस। इसको तो यार क्या मिला है, मजा आ गया भाई। गाइस आते ही मतलब आज का पक्का जो है फिशिंग बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, आते ही मिल गया। और ये चना कौन सा है प्लीज आप लोग बताना। इसमें कलर्स कम दिख रहा है लेकिन स्ट्राइप्स बढ़िया है, इसके मतलब जो पैटर्न है ना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नेट पे सर्च करना पड़ेगा और आप लोग बताना कि ये कौन सा फिश है, कौन सा टाइप है चना का। ठीक है आके चलते हैं देखते हैं। भाई सच में मैंने देखा है यहाँ पे, तो वीडियो कर रहे क्या? अरे सच बता रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे रोक रहा हूँ। इस जगह पे मैंने एक स्नेक है जैसा, मतलब वैसा ही रहेगा, ये जगह पे रहता है। दिखा बताता हूँ, देख वहाँ पे गाइस आप एक बार देखो ये जगह, आप देख रहे हो एकदम धुंधला पानी है, यहीं पे रहता है। और दोस्तों अभी अच्छा ये कौन सा वीडियो पता है क्या? वो सेकंड पार्ट चल रहा है हम लोग का, जो स्ट्रीम्स का आपने कल देखा रहेगा वीडियो जो हमने पकड़ा था। अभी अभी हमने माउंटेन से होके आ रहे हैं और अभी घर जा रहे थे तो मैंने इसको रोका। सुन यहाँ पार्क करता हूँ, नीचे उतरते हैं, चेक करके तो आते हैं ना। ठीक है चल। आपने देखा पहाड़ से हम लोग को एक तो चना, जो भी फिश में हम लोग को मिला है वो आप लोग बताओ कि कौन सा फिश है। और हम लोग एक्चुअली घर जा रहे थे तो वो फिश मैंने सोचा कि चलो हम लोग है ना यहाँ पे भी उतर के देखते कि क्या पता कुछ फिश मिल जाए। और ये देखो, और पता है क्या, शाम के वक्त ना ऐसे जगहों पर ये सारे फिश का हंट किया जाता है। रात को तो आप लोग को पता है फिश ज़्यादा एक्टिव होते नहीं, लेकिन मैंने ऊपर से देखा पूरा डैम जैसा है ना भाई। मैंने पता है कहाँ देखा था, मैंने कहीं यहीं पर देखा था रे, इस जगह पर काफ़ी मतलब एक ऊपर से ऐसा कुछ तो देखा, पता नहीं कुछ नेट वगैरह लग के आते तो अच्छा होता। एक्चुअली पता है मैं वहाँ से आ रहा था ना, यहाँ देखा था मैंने, इससे तो हम लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे वैसे भी स्नेक हेड वगैरह अगर होगा तो। पानी का फ्लो तो वहाँ पे कुछ तो दिख रहा है मुझे, वहाँ पे भी हिला है बे। कहाँ पे? यहाँ यहाँ आप देखते, ये देखते इधर तो क्या है, उतर जल्दी जल्दी जल्दी। अरे मेरा पूरा पैंट गंदा हो जाएगा, मैंने यहाँ देखा एकदम पूरा धुंधला ये पानी, यहाँ से देखना कहीं यहाँ भागा हुआ काफी। मैंने बोला ना नीचे तो मैं देखा था, तुझे विश्वास नहीं होता ना, तो मैंने यहाँ पे देख तो कहीं रुक रुक रुक। था क्या कहीं पे? ओए ओए कहाँ पे था ये? मैंने अब भी देखा बे। वो रुक रुक रुक, पानी थोड़ा क्लीन होने दे, काफी बड़ा है, काफी बड़ा है भाई। एक मिनट पानी क्लीन हो जाए, पानी क्लीन हो जाए भाई। ओ ये चुप चुप चुप, धीरे से भाग गया क्या? ओ ये भाग रहा है, भाग रहा है, जल्दी पकड़ नेट पे क्या।
वो तेरी क्या एक्टिव है भाई, जल्दी ये नेट ले गधे। पकड़ा? हाँ। पकड़ा। मैं चिल्ला नहीं रहा था, नहीं तो भाई मुझे गाली पड़ता अभी तुम लोगों से। क्या फिश है, क्या फिश है दिखा पहले मुझे। वाओ बे, क्या तो है बे एकदम, मुझे लग रहा है पूरा भी यहाँ पे कैसे आया रे। मैं तभी तेरे को बोल रहा हूँ ना, मैंने ऊपर से गाइस यहाँ से यहाँ पे एक फिश ऐसे जाते हुए देखा, और इसका साइज देखो यार, क्या हुआ इसको एक्चुअली, ये हर्ट वर्ट होके आया क्या कहीं से? देख तो नहीं तो फिर पूरा एक्टिव है क्या? ओ तेरी देख, चल इसको थोड़ा सा पकड़ तो एक मिनट, दिखा मुझे कौन सा फिश है। पहले इसका मुझे पैटर्न देखने दे, देखना कूद ना जाए, पर यहाँ कैसे आया ये फिश, ये मुझे समझना है। वाओ का पैटर्न देखना, क्या करें इसको छोड़ दे या लेके जाए? क्या फिश बोलते हैं? मुझे नहीं पता ये कौन सा, स्नेक हेड का ही कुछ रहेगा रे, ये तो मैंने उतना ऐसा देखा नहीं है। सुन इसको क्या करें, छोड़ दे कि क्या करें बे? लेके जाता है इसको, इतना बड़ा फिश रखेंगे कहाँ पे मेरे पास। लेकिन एक मिनट, हमारा दूसरा फिश कहाँ है? तो दोस्तों इसको तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन ये क्या करेंगे भाई, इतना बड़ा है। डाल तो डाल पूरा एक्टिव है। पाइसू आते है, मास सब लोग पूछ रहे कहाँ इतना बड़ा फिश हम लोग को ये वाला मिला है। गाइस मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा, मतलब कि ये पता नहीं स्नेक है जैसा लग रहा है लेकिन समझ नहीं आया कौन सा फिश है। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है, डिसाइड कर रहे हैं, मैं सोचा कि इसको रिलीज कर दूँ, क्योंकि तू लेके जाएगा, तेरे पास पॉन्ड वगैरह है? नहीं कुछ नहीं है, मेरे पॉन्ड में भी नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा साइज का है, छोटा वाला तो मैं रखने वाला रिवर फिश टैंक में, इसको इधर ही रखने दो। ये भी छोड़ देते क्या? हाँ छोड़ ही देते हैं, इतना बड़ा फिश लेके जाके किधर रखेगा? इतना बड़ा फिश लेके जाके किधर रखेगा, इधर ही छोड़ देते हैं। पॉन्ड होता ना पक्का, और इतना दूर अभी मैं कितने एक घंटे तक तो ये नहीं रहेगा रे, तो छोटे से बकेट में। गाइस मैं ये नहीं कर सकता, मतलब कि इसको मैं सच में ये पनिशमेंट तो नहीं दे सकता, हम यहाँ पे छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, एंड छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। आपको दिखा देता हूँ पहले सामने से। दोस्तों हमने फाइनली डिसाइड किया कि इसको हम लोग छोड़ देंगे यार, और लास्ट टाइम देख लो, मेरे को तो खुशी हो रही है, पर मतलब ये भी अनबिलीवेबल है कि मैंने बोला लेकिन इस जगह पे ऊपर से मैंने देखा था यहाँ पे ऐसे जगह पे फिश रहता है, आई थिंक इस जगह पे और भी रहेगा, हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अभी अंधेरा हो रहा है। लेकिन मैं उसको तो लेके जाने वाला हूँ, हमारा वो जो है चना, वो छोटा है लेकिन इसका जगह बहुत कम हो रहा है, ये लेते तो मर भी जाएगा रे, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं यहाँ पे। जल्दी चल, नहीं तो ये फिश हमारा कहाँ पे छोड़ेंगे, ज़्यादा पानी में छोड़ते रहे क्योंकि फिर कोई इसको पकड़ के खा ना जाए यार। हम लोग इसलिए छोड़ रहे हैं इसको क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, देखना कूद ना जाए। कहाँ छोड़ने वाले गाइस, हम लोग छोड़ रहे हैं इस फिश को, थोड़ा सा पानी में इसको ये कर ले, ठीक है छोड़ दे। ग्रेट जॉब, जाने दे इसको, जिंदगी जीने दे। तो गाइस फाइनली फिश को यार रिलीज कर दिया, दुख लग रहा है, खुशी भी हो रही है, खुशी क्या हो रही है, पकड़ा हम लोगों ने ही था बाय द वे, और उसी जगह पे हमने उसे छोड़ दिया। दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको लेना चाह रहा था, अगर पॉन्ड या फिश टैंक बड़ा होता डेफिनेटली लेता। आप लोगों का क्या सजेशन है ज़रूर बताना, और ये स्पॉट मैं बिल्कुल याद रखने वाला हूँ। ओए यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मैं आने वाला हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे हम ढूंढेंगे तो पक्का मिलेगा। अभी शाम हो रही है, निकलते हैं। ग्रेट, पर मैं फिर भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कुछ और है क्या, ये सब लोगों ने मछली पकड़ने के लिए रखा हुआ है क्या ऐसे एकदम? जगह देख, और ये सब जगहों पे ही स्नेक हेड और ये सारे फिश बहुत ज़्यादा रहते हैं, एंड पीछे पूरा माउंटेन है। तो दोस्तों अभी मैं घर जा रहा हूँ, और घर जाके आपको दिखाने वाला ये चना जो हमने पकड़ा हुआ है, और आप बताना कि ये कौन सा मतलब कि टाइप का चना है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, घर पे जाके अच्छे से देखते हैं ग्लास में, फिर समझ में आएगा हम लोग को शायद। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, और जो माउंटेन से हम लोगों ने पकड़ा हुआ था, जो फिश हमने पकड़ा था चना, जो भी वैरायटी है मुझे तो पता नहीं, अभी आप बताना उसका नाम देखकर, मैं आपको अभी दिखाने वाला, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि ग्लास में वो कैसा लगता है। तो वो फिश यहाँ है, अभी आपको सामने से दिखाता हूँ बिल्कुल, और ये पैटर्न बिल्कुल ओ वाओ यार क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, देखते हैं सामने से। फिश यहाँ पे है, और आप देख पा रहे हो ब्राउनिश कलर में स्टार मार्क क्या है इसके बॉडी में, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये अभी थोड़ा सा इनएक्टिव है क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ट्रैवल करके स्ट्रेस में आया है, तो ये आप देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ये फिश,
और थोड़ा ब्राउनिश कलर में, मुझे तो नाम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसके ईयर्स में जो पैटर्न है वो थोड़ा सा स्ट्राइप टाइप का है, एंड इसका फेस तो काफ़ी सही लग रहा है, और ये हमें एब्सोल्युटली माउंटेन से मिला हुआ है। देखो मैं आपको समझ देने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड इसका फेस देखो, आइज देखो, वैसे कहाँ रखूँ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं रिवर फिश टैंक में रखूँ तो आप श्रिम्स भरे हुए हैं, मतलब क्रे फिश, तो वो हर्ट ना करें, और ठंडी भी चल रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आप देख पा रहे हो उसका पैटर्न। एंड नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है, तो ये जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया हुआ है, जगह बहुत कम है, अभी इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, शायद रिवर फिश टैंक में ही ट्रांसफ़र करते हैं, थोड़ा स्पेस मिलेगा इसको। क्या बोल रहे हो? तो ये आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि ये कौन सा वेराइटी है, मतलब कि कौन सा टाइप का है वो ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा है, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं रिवर फिश टैंक में, मे बी देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र की एक्टिविटीज़, और ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा बंद करके रखना पड़ेगा नहीं तो जंप कर देगा ये। ओके, नहीं मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको यहाँ छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि गाइस वहाँ पे बहुत सारे क्रेफिश वगैरह है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा पहले एक्टिव हो जाने देते, ठीक हो जाने देते इसको, आई मीन स्ट्रेस से आया हुआ है ये फिश, और उसके बाद हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये पूरा पानी जो है साइकिल्ड है, एंड इसी का थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया था, मतलब कि वाटरफॉल से लाने के बाद, तो इसलिए यहाँ पे रख देते हैं, और जब ठीक हो जाएगा, जब पूरा एक्टिव हो जाएगा ना, उसके बाद देखते हैं, होपफुली ये सही रहे यार। दोस्तों लाइक अभी मैं जा रहा हूँ एक नियर बाय एक्वेरियम शॉप पर, जहाँ से मुझे कुछ टाइगर बार्ब्स लेना है, मेरे पास है टाइगर बार्ब्स पर फिर भी मुझे और कुछ लेना है, थोड़ा सा कलेक्शन करना है ग्रीन और नॉर्मल, तो चलो चलता हूँ पहले एक्वेरियम शॉप पर और लेकर आते हैं कुछ टाइगर बार्ब्स, और फिर यहाँ पे डालते हैं हमारे स्वर्ण फिश टैंक में। तो दोस्तों मैं फाइनली लेकर आ चुका हूँ ये वाले टाइगर बार्ब्स, और टाइगर बार्ब्स काफ़ी फास्ट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं प्लांटेड सेटअप में स्पेशली, तो यहाँ पे नॉर्मल एंड ग्रीन है, मेरे पास रेड वाला ऑलरेडी है, तो चलो दिखाता हूँ मैं इनको कहाँ डाल रहा हूँ। काफ़ी प्यारे से है और काफ़ी सस्ती डील में मिली है, इसलिए मैंने इसको लिया है, तो चलो दिखाता हूँ मैं इनको कहाँ डाल रहा हूँ। तो ये एक क्लोज लुक देख लो, अभी इनको खोलना है, और ये काफ़ी एक्टिव होते हैं ना, इसलिए मुझे टाइगर बार्ब्स बहुत पसंद है, आप लोग कैसा लगता है ज़रूर बताना, और कलरफुल टाइगर बार्ब्स रेड कलर के तो स्पेशली काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं। तो अगर आप इस टैंक में नजर दोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे फिश है, और अभी टाइगर बार्ब 6 ऐड करते तो ओवरक्राउड हो जाएगा, लेकिन वहाँ से हम ट्रांसफर कर देंगे सून। यहाँ पे ट्रांसफर करने का रीज़न एक ही है, क्योंकि गाइस ये पूरी तरीके से सेट है टैंक, ठीक है, यहाँ पे टाइगर बार्ब्स छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी मरेंगे नहीं और सर्वाइव कर जाएंगे, एंड कुछ दिनों के बाद दूसरा टैंक तैयार हो रहा है, वहाँ पे हम फिर जो है सारे टाइगर बार्ब्स को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे ग्लोविज और चट्रा भी है, और ये रेड वाले तो काफ़ी प्यारे लगते हैं, आप लोग पता ना आप लोग लगता है, और ये काफी महंगे भी होते हैं, राइट, और ये बहुत प्यारे हैं। अभी चलो इनको एक्लिमेट करते हैं हमारे नए वाले टाइगर बार्ब्स को, और इस टैंक में डाल देते हैं इनको। पहले यहाँ पर करते हैं कुछ 10-15 मिनट एक्लिमेट, ये थोड़े बड़े भी है ना साइज में देखो, और इनको पहले जान पहचान कर लेने दो। आई नो मुझे लग रहा है कि फाइट ना करे, फाइट करेंगे तो मैं रिमूव कर दूंगा, देखते हैं डालने के बाद। है ब्राजीलियन रेड का, काफी सारे प्राइस भी है, और कुछ लाइट लगा दिया ताकि मैं आपको अच्छे से अंडर वाटर शॉट लेकर दिखा पाऊँ। चलिए देखते हैं मेरे कपीस कैसे दिखते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने प्लांटेड पॉट्स रखे हुए, देख पा रहे हो ये सब के सब भाग रहे हैं। ये देखो हमारा मेल कितना प्यारा है, वाह क्या लगता है सामने से यार, मज़ा आ रहा है। प्राइस देखो पीछे पीछे घूम रहे, ये सारे प्राइस है मेरे, यहाँ पे और भी ज़्यादा घूम रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ टॉप लेयर में, देखो ये सारे प्राइस, और कहाँ गए फीमेल, कहाँ गई, बिल्कुल भागे जा रहे हैं, देखो बिल्कुल सामने सामने घूम रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। दोस्तों देख पा रहे हो सारे प्राइस, ये अब बड़े हो रहे हैं, और ये कुछ 1 मंथ के प्राइस है, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, तो ये सारे ब्राज़ीलियन कपीस के जो है प्राइस है, और ये टैंक भी देखो काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड है। आई थिंक और कुछ 3-4 मंथ्स के बाद इनको हम और अच्छे से देख पाएंगे, लाइक एडल्ट हो जाएंगे तब और सुंदर रहेंगे। तो ये अपडेट था हमारा ब्राज़ीलियन कपीस के ऊपर, और चलिए चलते हैं नेक्स्ट टैंक पर। अगर मैं अपने अरवानी की बात करूँ तो देखिए हील हो रहा है, मैंने यहाँ पे रॉक सॉल्ट डाला था थोड़ा सा, एंड इसको अच्छा खाना दे रहा हूँ ताकि जल्द से हील हो पाए। आप लोगों को पता है कि ये एरोना जंप कर दिया था और कूद गया था, एंड उसका स्केल उस साइड के थोड़े निकल गए थे, पर अब बहुत हील हो रहा है, और ये देखो कितना बड़ा हुआ है, एंड बहुत ही जल्दी गाइस एक बड़े वाले पॉन्ड में, यहाँ पे तो हम टैंक में इसको शिफ्ट करेंगे। पॉन्ड में तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मत छोड़ो करके, पर देखते हैं, और इसका पैटर्न देखो कितना प्यारा लगता है, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्या करें, या बड़ा टैंक दे दे, या फिर तो अगर मैं मॉन्स्टर फिश पॉन्ड में इसको छोड़ू, आई थिंक सेपरेटली रखना पड़ेगा। तो ये मेरा एरवाना का अपडेट था जो अब हील हो चुका है। ब्लू ड्रैगन टंबो या कपीज बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है गाइस, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो इनका शॉट्स लेने में मज़ा आता है, बाकी सारे कपीज तो मतलब इतने डिफिकल्ट है, ये देखो कितने फ्रेंडली है। एंड अब मैं ट्राई करूंगा अंडर वाटर शॉट, इनको लग रहा है मैं खाना देने वाला हूँ, आ जा सामने आ जा भाई,
ये देखो इनको, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारे लगते हैं कपीज। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे मेल्स हो चुके हैं, लाइक 4-5 और सब फीमेल्स है बाकी, और इनकी ब्रीडिंग भी होने वाली कुछ टाइम के बाद। तो दोस्तों ये थे मेरे डंबो या गप्पीस, इनको भी मुझे खाना देना पड़ेगा। देखो ये 4 मंथ्स के हो चुके हैं और ये फीमेल्स अपलोड हो रहा है, ये सबसे बड़ा फीमेल है। ठीक है दोस्तों, इस टैंक में भी बहुत ज़्यादा फीमेल्स हैं एंड मैक्सिमम ने बहुत सारे बच्चे दिए हैं और ये फिर से लोड हो रहा है। एंड अगर आपको मैं दिखाऊँ तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये मिक्स्ड है एक्चुअली, ऊपर ऊपर भी है। तो ये टैंक तो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है फीमेल का पीस है। ये टैंक ना पूरा वाटर लेटर से भर गया, मैं इसको डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत प्राइस है, वो देखो बहुत सारे हैं, देन अंदर अंदर तो बहुत रहते ही है। मैंने कुछ पोला पैरेट छोड़े थे, देखो देख रहे हो, वो तो पीछे गया पोला पैरेट से, वो देखो पीछे पीछे कुछ पोला पैरेट्स के बच्चे यहाँ पे काफ़ी सारे होंगे, सब पीछे पीछे छुप रहे हैं। और इस पानी को अभी मैंने चेंज नहीं किया है, पर कुछ दिनों में ये पानी में थोड़ा चेंज करूँगा, ज़्यादा नहीं करता क्योंकि बहुत बेनिफिशियल पानी है, जिससे बिल्कुल मैं इसको चेंज नहीं करता। और आप देखो ये गप्पीस बहुत सही है। एंड इस टैंक में कुछ फ्लेमिंगो गप्पीस है जो प्रेगनेंट है और बच्चे भी दे रहे हैं काफ़ी, मैंने कुछ सेपरेट भी किया है। तो ये गप्पीस भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसको देखो कितना इसका पेट फुला हुआ है। इस टैंक में काफ़ी सारे सिल्वर ओटर के फ्राइज है जो काफ़ी बड़े हो रहे हैं अभी, तो सिल्वर ओटर का फ्राई जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। और एंड आप इस गप्पी को देख पा रहे हो, इसकी क्वालिटी भी देख पा रहे हो, कितना ज़्यादा प्यारा गप्पी है ये। और ये फीमेल फिर से लोड हो रही है एंड ये फीमेल बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव है। और इस टैंक में कम से कम 20 से ज़्यादा बच्चे हैं और मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनके फिर से बच्चे होंगे। तो दोस्तों अब हो चुका है एक्लिमेट और इन 6 को हम डालने वाले हैं हमारे इस प्लांटेड टैंक सेटअप में। तो स्लोली इनको इसमें डाल देते हैं, जाओ अपने नए घर पे। क्या साइज़ है इनका, और ये छोटे वाले। ठीक है अभी इनको यहाँ पे एडजस्ट होने देंगे पहले तो, ठीक है। और ये इतना एक्टिव होते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है, मेरा टैंक पूरा ओवरक्राउडेड जैसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। लाइक हम लोग इनको 1 वीक के लिए रखेंगे, फिर इनका नया सेटअप बनाएंगे और यहाँ पे सिर्फ टाइगर पाप रखेंगे कलरफुल वाले, काफ़ी सही लगने वाला है। फिर कैसा लग रहा है गाइस ज़रूर बताना, हमने टाइगर पाप्स को भी यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है। मेरे पास कुछ बढ़िया एक्वाटिक प्लांट्स है और इसका वीडियो भी आ जाएगा, तो यहाँ से मैं कुछ जो है सुब्रजित को गिफ्ट करने वाला हूँ एंड 2-3 श्रिम्प्स भी उसको मैं दे देने वाला हूँ जो पकड़ के लाया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से कौन सा दूँ जो वो अच्छे से ग्रो करवा पाएगा। तो किसी किसी के जो यहाँ पे बहुत सारे 10-10 जो स्टेम्स है, तो यहाँ से कुछ उसको दे देंगे। एंड यहाँ पे मैं पैकिंग कर रहा हूँ, गाइस पैकिंग कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। गाइस सो आई एम डन और इसमें मैं 3 क्रेफिश ले रहा हूँ सुब्रजित के लिए, वो देख के पागल हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें ऑलमोस्ट 10 वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है और सब में 5-5 स्टेम्स है, तो क्या करेगा वो पता नहीं, उसको देते हैं वो खुश हो जाएगा, चलो चलते हैं और उसको ये गिफ्ट करते हैं। गाइस अपने बैकयार्ड में हूँ लेकिन यहाँ पे सुब्रजित को मैंने अपना ये सरप्राइज गिफ्ट किया, ये खुश हो गया। इससे मुझे बोला था मुझे बस 2 ही आप प्लांट्स दे दो, मतलब कि स्टेम्स, पर मैं भर कर लेकर आया तो पागल हो गया, और स्टेम्स देखे पागल हो गया है। दिखा ये सारा क्या करने वाला है, कहाँ बोने वाला है। तो इसको मैंने ये दिया हुआ है, क्या करेगा इनसे, तू मार मत डालना भाई, ठीक है, अच्छे से टेक केयर करना। इसमें 3 है और इनको अच्छा एक सेटअप देना। इसको कम से कम मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ज्यादा होगा आराम से, हाँ, तो इन सबको अच्छे से बोना इस स्टेम से, और सॉइल में हो सकता है थोड़ा सब्सट्रेट डाल देना। एंड फिश रखेगा तो फिश के मतलब कि पूप से ही आराम से इनको न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। एनीवेज गाइस बैकयार्ड का तो आज मैं कोई अपडेट देने वाला नहीं हूँ, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी फिशिंग के लिए भी जाने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं और कुछ नए वीडियोस लेकर जल्दी वापस आने वाले हैं। और ये लोग हमेशा हमारे बैकयार्ड में आ जाते हैं, तो अच्छा तो बहुत लगता है, पर जब वीडियोस बनाते हैं ना, ये देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, तो वीडियोस में ओ तुम भी ये बोल रहे आमी हो, आ जा आ जा आ जा, ओ मैं समझ नहीं पा रहा था। ये एक ये भी मछली थी बिल्कुल, ये सब ना अभी बनने वाले हैं, मतलब कि फिशिंग चैनल के आई थिंक ये लोग चैनल खोलने वाले कुछ दिनों के बाद, है ना छोटे। सही में सब पता इतने इंटरेस्टेड होते हैं ना, फिशिंग है ही ऐसा टॉपिक, है ना। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, कुछ नए वीडियोस लेके जल्दी वापस आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और